एक्चुअली पीके का दिखाया है कि पीके और आध्या शादी करने वाले हैं, और जय हमेशा बोल रहे नहीं अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, और पता चला कि वो जिम का इंस्ट्रक्टर है। लेकिन धीरे धीरे उसने कोई बात सुनी जय ने पीके की और उसके पीछे फॉलो किया, तो पता चला कि वो बैकग्राउंड डांसर है और ये बात लोगों से छुपाई हुई है और काफ़ी फ़नी टाइप का एक कुछ डांस कर रहा है। तो उसकी जय ने वीडियो बना ली और अभी सबको बुला के दिखा रहा है। तो इट्स लाइक अ फ़नी सीन, कई बार होता है ना, हम किसी का मजाक उड़ाते हैं और हमारे लिए फ़नी होता है पर शायद किसी और को बुरा लग जाता है। तो उसकी मॉम को काफ़ी बुरा लग गया, उसको बुरा लग गया और वो चैलेंज देखे गया है कि देखो जब मैं क्या करता हूँ। जी हाँ, क्योंकि उसने बात छुपाई थी अपनी मॉम से, बताया नहीं, ट्रस्ट नहीं किया। और जय तो जय जैसा ही है, हमेशा सबका मजाक उड़ाना, मज़े लेना, पंगे करना, तो वही सब कुछ चल रहा है अभी और इंजॉय कर रहे हैं हम, डांस भी कर रहे हैं। तो कहने के ये माने कि इसके जरिए आपने आध्या को बचाया है? नहीं, आध्या को बचाया नहीं है, मतलब आध्या को दिखाया है कि ये है तेरा बॉयफ्रेंड और तू क्या सोचती है उसके बारे में। लेकिन रियलिटी तो ये है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और वो उसको खुद ही बचाने की कोशिश कर रही है। सो काफ़ी कन्फ्यूजन और मजाक मस्ती और ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। आई गेस द बेस्ट पार्ट अबाउट आर शो इंटरनेट वाला लव यही है कि हमें कुछ ना कुछ रोज़ नया करने को, एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है और काफ़ी रियल है। जैसे बाकी हम शोज़ देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि एज अ हीरो वो हमेशा सही काम करेगा या सही चीज़ें करेगा, वो नेचुरल है। हम ऐसा करते हैं, कई बार गलतियाँ करते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं, फिर मजाक मस्ती करते हैं। जिस टाइप का कैरेक्टर है जय का, वो इसी टाइप का है, कभी सोचता नहीं है कुछ करने से पहले, तो वैसा ही है और वैसे ही शायद पसंद आ रहा है सबको। थैंक यू सो मच।